जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। और यदि किसी की अर्थी में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। और हमारे तजुर्बे हमें ये भी सबक सिखाते हैं कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। और मुसीबत में ये मत सोच कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये सोच कि अब कौन छोड़कर जाएगा। और अपने करियर में बेहतर करने के लिए एक बात याद रखें, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। और जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों का धन्यवाद करो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। और खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। और क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर रहता है गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। और हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाते हैं। और समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। और जीवन में सबसे कठिन दौर ये नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि ये तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझते। और मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। और मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। और इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। और दोस्तों, सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। और हम सफर सभी हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं और कुछ साथ छोड़ जाते हैं। और यूं असर डाला है मतलब परस्ती ने दुनिया पर, कि हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर होगा, जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी निशान रह जाता है। और जीवन में तीन बातें हमेशा खुद से करते रहना। पहली, कभी ये मत सोचना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी, कभी ये मत सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ। और तीसरी, हमेशा ये सोचना कि मुझ में कुछ तो है जो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बातें आप में कभी घमंड नहीं आने देगी, और ना ही कभी आपका कॉन्फिडेंस गिरने देगी। और अंत में बस इतना कहूंगा कि जिंदगी के इन दो पड़ाव से बच कर रहना, अभी उम्र नहीं है और अब उम्र नहीं है। ये दो बातें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ भी करने नहीं देती। आपके सपनों से, आपकी काबिलियत से आपकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।